हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन नंबर 5, द पैरोट हु वुडंट टॉक। ऐसा पैरोट जो बोल नहीं सकता। व्हेन आई वॉज ग्रोइंग अप इन मसूरी, जब मैं मसूरी में बड़ा हो रहा था, ऑलमोस्ट ऑल अवर नेबर्स केप्ट अ पेट पैरोट और पैराकिट। हमारे सारे नेबर्स, बहुत सारे नेबर्स पेट, पालतू पैरोट या एक पैरोट की दूसरी टाइप होती है पैराकिट, वो रखते थे। समटाइम्स दीज बर्ड्स वुड लर्न टू टॉक। कभी कभी वो जो बर्ड है, मतलब पैरोट और पैराकिट्स, वो बोलने का सीखते थे। दे वुड से थिंग्स लाइक स्टडी चाइल्ड स्टडी। वो ऐसे वर्ड्स बोलते थे, स्टडी चाइल्ड स्टडी और डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी। दीज वर्ड्स एंड फ्रेसिस वर ऑफ कोर्स लर्न्ड आफ्टर सम मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड हैड रिपीटेड देम मैनी टाइम्स इन फ्रंट ऑफ द बर्ड। ये वर्ड्स या फ्रेसिस इसलिए बोल पाते थे क्योंकि जो उसे केप्ट करते थे, वो जो हाउस मेंबर थे, वो उसके सामने बार बार वो ही चीज़ बोला करते थे। बर्ड्स के सामने बार बार वो ही चीज़ बोला करते थे, इसलिए वो बोल सकते थे। बट अवर पैरोट रिफ्यूज़ टू टॉक। लेकिन हमारा जो पैरोट था, वो बोलने के लिए राज़ी नहीं था, बोलने का मना कर दिया। आंट रबी हैड बॉट इट फ्रंट अ बर्ड कैचर हु सोल्ड केज बर्ड। आंट रबी जो है, उन्होंने भी बर्ड कहाँ से लिया, तो जो बर्ड कैचर होते हैं, वो बर्ड्स का केज जो बेच रहा था, उनसे लिया। तो ग्रेनी एंड ग्रैंडफादर वर नॉट हैप्पी अबाउट कीपिंग केज्ड बर्ड्स एज पेट्स। ग्रेनी और ग्रैंडफादर, मतलब ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो खुश नहीं थे कि पिंजरे में बंद पेट को रखना। अंत रबी इंसिस्टेड ऑन कीपिंग द पैरोट एंड टीचिंग इट टू टॉक। एंड रबी ने इसकी डिमांड की और उसे बोलना सिखाने लगी। बट द बर्ड इमिडिएटली डिसलाइक माई आंट। लेकिन बर्ड ने तुरंत आंट को, जो इनकी आंटी थी आंट रबी, उनको पसंद नहीं कर रहा था। किस किस आंट रबी वुड कू, पुटिंग हर फेस क्लोज टू द बार्स ऑफ द केज। आंट रबी ने बोला किस किस, और उनका जो फेस है, वो केज जो इनका पिंजरा होता है, उनके पास उनका फेस किया। बट द पैरोट वुड बैक अवे। लेकिन पैरोट पीछे हो गया। इट्स लिटल आईज गेटिंग इवन स्मॉलर विथ एंगर। और उनकी जो छोटी छोटी आँख थी, वो और छोटी हो गई गुस्से के साथ। वंस इट सडनली डाइव्ड फॉरवर्ड एंड नॉक्ड आंट रबीज स्पेक्टिकल्स ऑफ हर नोज। क्या हुआ कि फिर तुरंत वो जो पैरोट है, उन्होंने डाइव किया। और कहाँ किया, तो आंट रबी के जो स्पेक्टिकल्स थे, उनके जो चश्मे थे, वो नोज से छीन लिया। आफ्टर दैट आंट रबी स्टॉप्ड शोइंग हर लव फॉर द पैरोट। उसके बाद आंट रबी ने क्या किया कि पैरोट को उनका प्यार दिखाने का बंद कर दिया। शी बिकेम अनफ्रेंडली टुवर्ड्स द पुअर बर्ड। और आंट रबी ने उनके साथ दोस्ती नहीं रखी। सी मैड फेस एट इट एंड कॉल्ड आउट कांट सिंग, कांट डांस एंड अदर नास्टी कमेंट्स।
और उन्होंने उसके सामने ऐसा फेस किया और बोल दिया कि गाना नहीं, नाचना नहीं, और ऐसी गंदी कमांड्स उसे देने लगे, कमेंट्स देने लगे। इट बिकेम माई जॉब टू फीड द पैरोट, और मेरी जॉब हो गई कि मुझे पैरोट को खाना खिलाना था। इट लुक्ड क्वाइट हैप्पी टू रिसीव द ग्रीन चिलीज एंड राइप टोमेटोज फ्रॉम माई हैंड्स, और फिर वो थोड़ा सा ये देख के खुश भी हो जाता था मेरे हाथ से जब वो ग्रीन चिलीज और पके हुए टमाटर जब उसे मिलता था। वेन इट वॉज द मैंगो सीजन, जब मैंगो की सीजन थी, आई गोट टू ईट अ कपल ऑफ मैंगोज वाइल फीडिंग द पैरोट, तब क्या करते थे कि उसे मैंगो भी खिलाया करते थे। वंस आफ्टरनून वाइल एवरी वन वॉज एंजॉइंग अ शार्प नैप, आई गेव द पैरोट इट्स लंच एंड देन पर्पजली लेफ्ट द केज डोर ओपन। क्या हुआ कि जब सब लोग आफ्टरनून के टाइम, एक बार दोपहर के टाइम जब सब लोग दोपहर को जब आराम करते उसका एंजॉय ले रहे थे, तब मैंने क्या किया कि पैरोट को लंच दिया और उसके बाद कुछ सोच के उसका डोर खुला छोड़ दिया, उनका जो पिंजरा था उसका डोर खुला छोड़ दिया। सेकेंड्स लेटर द बर्ड वॉज फ्लाइंग फ्रीली इंटू द मैंगो ऑर्चर्ड ऑर्किड। उसके बाद क्या हुआ कि जो बर्ड है वो फ्रीली जो मैंगो का जो बोलते हैं ना, उनका जो थोड़ा सा हमारा घर के पास जो गार्डन होता है उसमें वो फ्रीली उड़ रहा था। ग्रैंडफादर केम ऑन टू द वेरादा एंड रिमार्क्ड, ग्रैंडफादर जो है वो घर के जो दीवार होती है वहाँ पे आए और उन्होंने नोट किया कि आई सी योर आंट्स पैरोट हैज एस्केप्ड, मैं तुम्हारी आंट का जो पैरोट है उसको भागते हुए देख रहा हूँ। द डोर वॉज क्वाइट लूज, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रह गया था। आई सेड विथ अ श्रग, ऐसी मूवमेंट करना कि ऐसे शोल्डर हिलाते हुए बोलते हैं, ऐसी मूवमेंट करके। वेल आई डोंट थिंक विल सी इट अगेन, कि मैं नहीं चाहता कि हम इस ये दोबारा देखें। आंट रबी वॉज अपसेट एट फर्स्ट, आंट रबी जो है वो पहली बार अपसेट हुए। वी प्रोमिस टू बाय हर अ बाउल ऑफ गोल्ड फिश, और हमने उसे प्रोमिस किया कि हम गोल्ड फिश का बाउल लाएंगे। द पैरट प्रोबेबली मिस्ड इट्स ग्रीन चिलीज, शायद पैरट जो है वो ग्रीन चिलीज को मिस कर रहा था। अ फ्यू डेज लेटर आई फाउंड इट सिटिंग ऑन द वेरेंडा रेलिंग लुकिंग एक्सपेक्टेंटली एट मी विथ इट्स हेड, कि कुछ दिनों बाद मैंने उसे जो रेलिंग थी, वेरेंडा की रेलिंग थी, वहाँ पे बैठा हुआ देखा और वो कुछ अच्छा चाहता था मुझसे। कॉक्ड टू वन साइड आई गेव द पैरोट हाफ ऑफ माई मैंगो, और मैंने उसे अपना छोटा मैंगो था उसमें से थोड़ा सा उसे दिया। वाइल द बर्ड वॉज एन्जॉइंग द मैंगो एंड रबी कॉल्ड आउट लुक देयर्स माई पैरोट, जब वो मैंगो खा रहा था तब आंट रबी ने बोला कि देखो वो रहा मेरा पैरोट। इट मस्ट हैव मिस्ड मी, और वो मुझे याद कर रहा था
With a loud squeak, the parrot flew out of her reach, perched on the nearest rose bush, glared at Aunt Ruby and screamed in my aunt's familiar tones, "You are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance." फिर क्या हुआ कि आंट रबी जो है वो गुस्सा हो गई. आंट रबी ने इसे बोला ना कि वो मुझे मिस कर रहा था, तो पैरोट जो है ना वो वहाँ से उड़ के जहाँ रोज़ का बश था वहाँ चला गया. तो आंट रबी जो है वो गुस्सा हो गई और उन्होंने क्या किया कि ऐसा आवाज़, मतलब कि जो इनकी फैमिली थी वो अच्छे से जानती थी और वो क्या बोली, "यू आर नो ब्यूटी, तुम अच्छे नहीं हो, बोलना मत, गाना मत, नाचना मत." आंट रबी वेंट रबी रेट एंड डेस्ट इंडोर्स. आंट रबी कहाँ गई, रेड जो रेड इन उसके अंदर की साइड रेड था डेस्ट, वहाँ गई. बट दैट वॉजंट द एंड ऑफ इट, लेकिन वो उसका एंड नहीं था. द पैरट बिकम अ रेगुलर विजिटर, और पैरट हर रोज का विजिटर हो गया. वेन एवर इट सो आंट रबी इट वुड कॉल आउट, जब वो आंट रबी को देखता था तो क्या बोलता था, "यू आर नो ब्यूटी, कांट टॉक, कांट सिंग एंड कांट डांस." द पैरोट हैड लर्नड टू टॉक आफ्टर ऑल, और पैरोट ने सबसे ये सीखा. जब आंट रबी ने पहले बोला था तब आंट रबी जो बोला था अभी वो पैरोट बोलने लगा. ठीक है, पहले आंट रबी बोल रही थी कि यू आर नो ब्यूटी, कांट टॉक, कांट सिंग एंड कांट डांस. अभी बार बार उसके सामने बोलने से यहाँ पे पैरट भी सीख गया. ठीक है, तो यहाँ हमारी ये कहानी जो है द पैरट वुडन टॉक वो ख़त्म हो रही है. इसकी एक्सरसाइज है मैच ए एंड बी टू फॉर्म कंप्लीट सेंटेंस. सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमें ये मैच करना है. ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर डिड नॉट वांट टू कीप बर्ड्स. ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर क्या नहीं चाहते थे, दैट वी वुड नेवर सी द पैरट अगेन. व्हेन आई फेड इट ग्रीन चिलीज एंड राइप टोमेटोज, व्हेन द पैरट सेड द अनकाइंड वर्ड्स बैक टू हर that were in a cage that were on Aunt Rabi's nose. तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा डी, दैट वर इन अ केज. वन टू डी. नंबर टू, द पैरट नॉक्ड ऑफ द स्पेक्टेकल्स. स्पेक्टेकल्स कहाँ था, तो दैट वर ऑन Aunt Rabi's nose. टू टू ई. द पैरट वॉज क्वाइट हैप्पी. कब खुश रहता था, तो जब मैं उसे ग्रीन चिल्ली और पके हुए टमाटर खिलाता था. थ्री टू बी. आई वॉज श्योर. किसके लिए श्योर था, वेन द पैरट सेड द अनकाइंड वर्ड्स या बैक टू हर या दैट वी वुड नेवर सी द पैरट अगेन. तो फोर टू एट. आई वॉज श्योर दैट वी वुड नेवर सी द पैरट अगेन, कि हम दूसरी बार पैरट को कभी भी नहीं देख पाएंगे. फाइव, आंट रबी वॉज अपसेट. आंट रबी क्यों अपसेट हो गई, तो जब पैरट ने उसे वर्ड्स दिए. ठीक है, तो आज का आपका वर्क रहेगा, पहले लेसन का नेम मार्जिन में लिखना है, कॉर्नर में डेट और डे, फिर आपको वर्ड मीनिंग लिखने हैं. जो ब्लू बॉक्स वाले हैं वो वर्ड मीनिंग है. सारे वर्ड मीनिंग लिखने के बाद आपको ये मैच करना है आपकी
टेक्स्ट बुक में, सारा वर्क आपको आपके CW में ही करना है, ठीक है। तो ये ए जो है वो आपको वर्ड मीनिंग के बाद आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, ठीक है।